फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप एयरटेल के नए रिटेलर हो या फिर आप एयरटेल के जूनियर रिटेलर हो, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज हम जानते हैं एयरटेल का सिम एक्स कैसे करते हैं। यदि आपका सिम खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है या फिर आपका सिम बंद हो जाता है या फिर आपको 4G अपग्रेड करना है, तो आज हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ कि आपका वही नंबर दोबारा से आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो नया डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आइए आज जानते हैं हम एयरटेल का सिम एक्स कैसे करते हैं। यदि आपका सिम खो गया है, वही नंबर दोबारा से आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पूरे वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मित्रा ऐप ओपन करना है। मित्रा ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको लापू नंबर डालना है, उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है आपका पासवर्ड डाल के सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको डिजिटल सिम स्वैप दिख रहा होगा, तो उस पर टैप कीजिए। उसके बाद फिर कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। उसके बाद फिर आपका अगर सिम गुम हुआ है तो लॉस्ट पे टिक कीजिए, अगर आपका सिम डैमेज हुआ है या फिर 3G है, 4G अपग्रेड करना है तो डैमेज या अपग्रेड पे टिक कीजिए। तो हमारा सिम अभी लॉस्ट हुआ है तो हम लॉस्ट पे टिक करेंगे। तो आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिए, जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है, तो हम कस्टमर का मोबाइल नंबर डालते हैं 8888। तो हमने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया है। कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस होगा। फिर आपका सबसे पहले कस्टमर का फ़ोटो लेना है। याद रखिए दोस्तों, कभी भी कस्टमर का फ़ोटो लेते समय बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका सिम एक्स रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है, तो आप उनका आईडी प्रूफ चूज़ कीजिए। इसमें आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनकम टैक्स, पैन कार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, कोई भी आप अपनी तरफ से टिक कर लीजिए, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट रहेगा। तो हमारे पास आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड टिक करते हैं। तो सबसे पहले आप आधार कार्ड का पीछे फ्रंट साइड फ़ोटो क्लिक कीजिए। फ्रंट साइड फ़ोटो क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग इमेज अपलोड हो जाएगा। होने के बाद फिर बैक साइड का क्लिक कीजिए। बैक साइड का क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग इमेज अपलोड हो गया है। उसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिकली सब डॉक्यूमेंट नंबर, कस्टमर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर कस्टमर आउटसाइड इंडिया है या इंडिया का है वो आप टिक कर लीजिए। तो हमारा कस्टमर इंडिया का है तो उनका जो लास्ट रिचार्ज उन्होंने किया था तो वो सबमिट कीजिए। कस्टमर ने लास्ट रिचार्ज किया था 299 का, तो आप सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर आप स्टेट सुनिए कौन सा स्टेट का है। हमारा कस्टमर महाराष्ट्र का है तो हम महाराष्ट्र चूज़ करते हैं। उसके बाद फिर सिटी उनका जो भी रहेगा तो उनका सिटी डाल दीजिए। हमने डाल दिया है, बोईसर सिटी है तो बोईसर डाल दिया। फिर वेरिडेशन पे टिक कीजिए। वेरिडेशन पे टिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस शो होगा। या तो फिर आपका मिसमैच होगा या फिर मैच हो जाएगा। मैच होने के बाद एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद स्लाइडिंग कीजिए। स्लाइडिंग करने के बाद फिर आप सिम को सर्च कीजिए, जो भी आपका सिम है उसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपका कोई भी एक अल्टरनेट नंबर कस्टमर का डाल दीजिए। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन बाय कस्टमर पे टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद आप स्लाइडिंग कीजिए, उसमें कस्टमर का अल्टरनेट नंबर आ चुका है। सेंड OTP पे टिक कीजिए। OTP 2 मिनट 5 सेकंड के बाद आपके इस पर आ जाएगा। OTP आ गया तो OTP आप टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद फिर डिक्लेरेशन बाय पोस्ट, मतलब कोई भी एजेंट का, जो भी एजेंट है उनका आप फोटो क्लिक कर लीजिए। एजेंट का फ़ोटो क्लिक करने के बाद डन कीजिए। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन पे टिक कीजिए। डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद सेंड OTP कीजिए। सेंड OTP करने के बाद OTP हमारा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर सबमिट दबा दीजिए, फिर फाइनल सबमिट दबा दीजिए। उसके बाद फिर आपका एयरटेल का सिम एक्स प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर यदि आपका वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब जरूर देंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो आए चैनल पे तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।